तो मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 बुकलेट का। मॉडर्न फिजिक्स में अब ये चैप्टर स्टार्ट है एटम्स, न्यूक्लियाई। जब वर्ड न्यूक्लियाई वर्ड यूज़ करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी भी बीच में आएगी, रेडियो एक्टिविटी। फिर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसकी ड्यूअल नेचर होती है, डी ब्रॉगलीस, तो बोहर्स मॉडल, ये सब आपने केमिस्ट्री की टर्म्स सुनी हुई हैं। बोहर्स मॉडल डिस्कस करेंगे, रेडियो एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद फिर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सब सुनने में लगता है जैसे अब कोई केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है। रिएक्शंस कि कैसे अल्फा पार्टिकल आया, उसने एमिट कर दिया न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब आप केमिस्ट्री में करते होंगे, तो इससे ये भी पता लग जाएगा आप केमिस्ट्री 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 पढ़ते हो तो अब देख लेते हैं कितने की केमिस्ट्री पढ़ लोगे, तो बढ़िया है, फिर अब दोनों तरफ केमिस्ट्री चलेगी अब, ठीक। एडवांटेज रहेगा जिनको थोड़ी सी केमिस्ट्री बेटर है, जल्दी कैच कर लेंगे और मज़ा भी करेंगे, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। और दूसरा, इसके बाद जो है अगले दो यूनिट्स होंगे वो होंगे सेमीकंडक्टर्स के और प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन लॉजिक गेट्स के। ये चैप्टर्स रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ये सब कुछ। GPRS कैसे काम करता है, सैटेलाइट्स कैसे काम करती हैं, सिग्नल्स कैसे जाते हैं और सिग्नल में क्या पावर होती है, तो पता लग ही रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये सिलेबस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। कुल मिला के 4 चैप्टर्स हैं और कोर्स ख़त्म करने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब सारा कोर्स जो है वो एक्चुअली अब हमारे हाथ में, कंट्रोल में है, जिसको बोलते हैं, दिक्कत नहीं है। तेज़ बोलेंगे जल्दी चला जाएगा, होली बोलेंगे थोड़ा लेट, जैसे मर्जी कर लो, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। बोलने वाला तो मान लो 8 चैप्टर्स हैं छोटे छोटे मिला के, तो 8 लेक्चर में ख़त्म कर देगा, पर उसको क्योंकि सिलेबस ख़त्म होते ही आपके स्कूल के अंदर एग्ज़ाम्स हैं, अब स्कूल के एग्ज़ाम्स में तो पूरी बुक आएगी, तो उसको रिटेन भी तो करनी है, क्योंकि जो हम आज करेंगे वो एक महीने बाद भूल जाओगे, तो साथ साथ टेस्टिंग भी साथ साथ चलेगी। तो ऑलमोस्ट हर क्लास में आपका टेस्ट है, अगली क्लास में आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस का भी टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। रिफ्रैक्टिंग सरफेस याद है, फिश और बर्ड प्रॉब्लम, मिरर लगा हुआ है पानी में, मिरर ऊपर दिखता है नीचे दिखता है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। आज प्रिज्म का है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ठीक। तो चलता रहेगा अभी, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव एनसीईआरटी के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। अगर एटॉमिक न्यूक्लियाई की बात करें तो एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन ने सबसे पहले मॉडल निकाला था। उसने बोला था कि जो न्यूक्लियस है या जो एटम है, सॉरी, एटम के अंदर न्यूक्लियस नहीं है और पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि गलत निकला ये मॉडल, क्योंकि दो लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन ये थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स, एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ थिन मेटल फॉइल्स एज ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप सबने सुना हुआ है, जिसने ये प्रूव किया था कि अंदर न्यूक्लियस है, तभी तो स्कैटरिंग हुई। तो ये चीज़ ये प्रूव नहीं कर पाया था, तो इसका मॉडल फेल हो गया था। तो उसके बाद किसने इसको प्रूव किया, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड का न्यूक्लियस लिया, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पर स्कैटर हो गए। ये कुछ नहीं करना आपने, बस बताने के लिए इंट्रोडक्शन है ये, इसमें कुछ नहीं करना आपने। ये मेन डायग्राम है वो इसका, ये डायग्राम है, ये अल्फा पार्टिकल मूव करते हुए आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हिट करने की कोशिश करेंगे। जो अल्फा पार्टिकल एक्सिस के अलोंग मूव करेगा बिल्कुल सेंटर पे, वो 180 पे वापस आएगा। जो थोड़ा सा दूर जाएगा ड्यू टू रिपल्शन थीटा ग्रेटर देन 90 पे जाएगा, जो और ऊपर से जा रहा है वो लेस देन 90 पे जाएगा, और बहुत ऊपर से जाएगा उसका थीटा बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, वो सीधे पास हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन
क्योंकि प्लस चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, ये भी प्लस है, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ये इसे बहुत स्ट्रांगली रिपेल करेगा, तो ये बिल्कुल वापस चला जाएगा सेम लाइन पे, ये इसे रिपेल करेगा, लेकिन जब ये इसे रिपेल करेगा तो जो रिपल्शन है वो ठीक होगी लेकिन उतनी नहीं होगी, तो एंगल ग्रेटर देन 90, और जितनी दूर जाते जाओगे रिपल्शन कम होती जाएगी और पार्टिकल सीधे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? और 180 पे आने का मतलब ही है कि अंदर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूक्लियस। अब इसके अंदर ये ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन में, ये स्कैटरिंग का एंगल है और ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड है। बहुत कम पार्टिकल्स होंगे जो 180 पे जाके वापस आएंगे, क्योंकि क्योंकि न्यूक्लियस बहुत स्मॉल साइज का होता है, और बहुत ही कम पार्टिकल होंगे जो 180 पे वापस आएंगे, ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे। कहने का मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग जिनका जीरो या थोड़ा बहुत 1 डिग्री 2 डिग्री है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे। एंगल ऑफ स्कैटरिंग 90 से बड़े वाले पार्टिकल उतने कम होते जाएंगे, क्योंकि जिनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग ग्रेटर देन 90 है वो अल्फा पार्टिकल्स की एक्सिस की लाइन के काफ़ी करीब है, और ऐसे पार्टिकल्स की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये ग्राफ समझ में आ गया। तो जिनके एंगल्स ग्रेटर देन 90 हैं वो कम होंगे, और जिनके लेस देन 90 हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। ये इसका ग्राफ है, इसका जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमने, जो इतनी हमें पता है एक्सप्लेनेशन इसकी। नेक्स्ट है टॉपिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल, कोई अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस के पास आता है, ये न्यूक्लियस है 180 की लाइन पे आ रहा है, तो इसको टच नहीं कर पाएगा, वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी इनके बीच में। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? प्लस 2e, और मान लो इसका एटॉमिक नंबर z है, तो इस पे चार्ज कितना है? प्लस ze। और कितनी दूर पहले ये रुक जाएगा आके और वापस जाने के लिए आर नॉट, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को हिट करने के लिए आ रहा है लेकिन हिट कर नहीं पाया, कितनी दूर, कितनी पास से चला गया न्यूक्लियस से, उस डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएं तो अल्फा पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी है? 1/2 mv², और जैसे ही इसके पास आता है कि सारी की सारी एनर्जी जीरो हो जाती है काइनेटिक, लेकिन क्या कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन यही है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, और आर नॉट डिस्टेंस पे पार्टिकल रुक गया, वेयर आर नॉट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 2e into ze डिवाइडेड बाय 1/2 mv². तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। ठीक है यहां तक? तो आप चेक कर सकते हो इसमें, बस आपके असाइनमेंट में एक ही, ये फोर्थ इक्वेशन सबसे काम की है, इसको आप बॉक्स में डाल लो चाहे, बाकी सब ऐसे ही है। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी बता दिया इसमें, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, पोटेंशियल 1/4πε0 ze into 2e / r0 है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये देखो r0 की। अब ये तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज किया था, तो z जिसका कितना है? 79। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी उसको पता थी 5.5 MeV, जिसको उसने 1.6 × 10⁻³ जूल से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट किया और यहां पर पुट किया 1/2 mv² की जगह। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला। हमें ये वैल्यू याद नहीं करनी,
हमें सिर्फ ये इक्वेशंस पता होनी चाहिए कैसे बनी और आर नॉट कैन बी कैलकुलेटेड, दैट्स इट, और हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट बता रहा है पर हमें नहीं करना, ये क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इंपैक्ट पैरामीटर है कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और ये एक सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन है, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल एक्सिस के अलोंग आ रहा है वो तो वापस चला गया, पर सारे तो एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहे, कुछ दूर से भी आ रहे हैं, तो कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो यानी कि जो अल्फा पार्टिकल दूर और दूर और दूर, हम बोलेंगे उसका इंपैक्ट पैरामीटर उतना ही ज्यादा, और जो अल्फा पार्टिकल एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं उसका इंपैक्ट पैरामीटर जीरो, जीरो, एक्सिस के ऊपर तो बिल्कुल ही जीरो। अब सारे अल्फा पार्टिकल तो एक्सिस पे नहीं आ रहे, कुछ ऊपर से भी आ रहे हैं, तो वो कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर से आ रहे हैं एक्सिस से, उसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक। अब इसके अंदर मेरे को एक चीज पता है कि हाँ, इंपैक्ट पैरामीटर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी का ये फॉर्मूला है 1/4πε0 जेड इंटू, जेड मीन्स अटोमिक गोल्ड फॉइल का जैसे वो अटोमिक नंबर जेड, इंटू ई का स्क्वायर, कॉट ऑफ थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये फॉर्मूला डराइव नहीं करना हमने, बस ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, बहुत ही रेयर बुक्स हैं जिसमें ये इसकी डेरिवेशन लिखी होगी, पर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। तो इसके अंदर एक ग्राफ बना हुआ है इंपैक्ट पैरामीटर का टारगेट न्यूक्लियस से। मान लो वो न्यूक्लियस है, जो अल्फा पार्टिकल 180 पे आ रहा है वो एक्सिस के साथ आएगा, तो जो 180 के साथ आ रहा है उसका इंपैक्ट पैरामीटर जीरो, लेकिन जो थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर आ रहा है उसका स्कैटरिंग एंगल ग्रेटर देन 90, जो थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है एंगल कम होता जा रहा है, जो और ऊपर जा रहा है लेस देन 90, जो और ऊपर जा रहा है और लेस देन 90, जीरो को अप्रोच करते हुए इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी उतना ही कम होता जाएगा। देखो ना, वो थीटा बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रहा है, जितना छोटा इंपैक्ट पैरामीटर होगा तो एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और इन द एंड 180 हो जाएगा। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर का और स्कैटरिंग के एंगल का रिलेशन है, ठीक। ग्राफ समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स। एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स के अंदर बेसिकली क्या है, एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल्स में अगर आपके पास कोई एटम है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को आप पोटेंशियल वी देते हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और मान लो n इज इक्वल टू 1 शेल से n इज इक्वल टू 3 या 4 या 5 शेल में जाके बैठ जाता है, तो आप क्या बोलोगे, दिस पोटेंशियल इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपर शेल में चला जाएगा, लेकिन अगर आपने वी कुछ ज्यादा ही दे दिया तो वो सारे शेल्स को छोड़ता हुआ एटम में से बाहर निकल जाएगा, हम क्या बोलते हैं, वो आयनाइज हो जाएगा, तो उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक्साइट हो जाए, और ज्यादा एक्साइट होता हुआ वो आयनाइज हो जाए, तो इन पोटेंशियल्स को एक्साइटेशन और आयनाइजेशन पोटेंशियल्स बोलते हैं। जैसे हेड ऑन कोलिजन है बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज 41.3 फर्मी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अभी डिस्कस किया था, आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्कस किया था कि आर नॉट की वैल्यू 41.3 फर्मी है, तो इसका मतलब 41.3 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, याद रखना माइनस 15 मीटर, और गोल्ड के लिए 79 है। तो आपको इस क्वेश्चन में एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी क्या होती है, 1/4π, याद है, हाफ एम वी स्क्वायर 1/4πε0 ZE इंटू 2E/r0। तो इसमें E फॉर एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है, आपको Z पता है, 2 पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी पता है, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। जस्ट बेसिक्स हैं, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है एनर्जी की वैल्यू आ गई। एनर्जी की वैल्यू शुरू शुरू में जूल में आएगी सॉल्व करने पे,
और जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 से डिवाइड करोगे तो MeV में आंसर आएगा। और ज़्यादातर एनर्जीज MeV या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही की जाती हैं इसमें, तो इसके साथ साथ बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट है कैलकुलेट इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का सिंबल क्या होता है? पी। बी निकालने और 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, तो इसमें हाफ MV स्क्वायर की वैल्यू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड स्कैटर्ड बाय 10 डिग्री, तो आपको थीटा कितना गिवन है 10, और एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी है 79। तो बी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया हुआ है। बी के फॉर्मूले में जेड पता है, थीटा पता है, हाफ MV स्क्वायर एनर्जी पता है आपको, पुट करके आपके पास क्या आएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। रेयर चांस है इस क्वेश्चन का आने का, देखा नहीं कभी, बट बता रहा हूँ कि बी का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। अब न्यूक्लियाई के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूक्लियाई, बेसिकली फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तो स्टार्ट ही नहीं हुए, बिकॉज ये तो अभी केमिस्ट्री के साथ अपनी वो ब्रिज बना रहा है कि कहीं पता लगे कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको केमिस्ट्री ना आती हो, जो ये पूछने बैठ जाए कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है और बोहर मॉडल और ये सब क्या होता है, इसलिए वो साथ साथ इंट्रोडक्शन देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा, आने वाली चीज़ इसमें रेडियो एक्टिविटी है, इसमें रिएक्शंस हैं जिसमें न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल एमिशन, बीटा, मैं बताता रहूँगा आपको क्या आता है, तो इसलिए थोड़ा जो है मैं रीड नहीं कर रहा एक एक लाइन, क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं एक एक लाइन को फिर रीड भी करूँगा। तो इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है मालूम है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस बता दिया, प्रोटोन न्यूट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है आप लोगों को मालूम है, मास नंबर क्या होता है ये भी आपको मालूम है, न्यूक्लियाइड क्या होता है, कोई भी एटम के न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ये भी मालूम है, और न्यूक्लियर साइज से स्टार्ट करेंगे हम। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक। तो अब एक न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, 2 होंगे तो छोटा होगा, 200 होंगे तो उतना ही बड़ा होगा, ठीक। तो इसका मतलब जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसमें ज्यादा होंगे, तो ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ये स्टेप क्लियर है। अब इसके अंदर कांस्टेंट है 4/3 pi, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1/3, और कांस्टेंट लगेगा इसमें आर नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻¹⁵ मीटर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। कई बार 2 न्यूक्लियस गिवन होते हैं किसी न्यूमेरिकल में, एटॉमिक नंबर गिवन होता है A1 एंड A2, आपको R1 पता होता है, R2 निकालना होता है, तो R1/R2 इज A1/A2 होल रेज टू पावर 1/3 का फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बट पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी होती क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स वॉल्यूम। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस होगा कि अगर सपोज करो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, वैसे तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और दोनों के मासेस में तो डिफरेंस होता ही है, पर मान लो किसी भी एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास m है, न्यूक्लियॉन का, यानी कि चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, और ऐसे कितने न्यूक्लियॉन्स हैं a, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m × a। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर a है तो टोटल मास इज इक्वल टू एक न्यूक्लियॉन का मास × a m a, तो टोटल मास आ गया m a डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 pi r³। r लेकिन r नॉट a रेज टू पावर 1/3 होता है, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर टोटल मास m a और टोटल वॉल्यूम वो रहा, पुट कर दो तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो डेंसिटी की वैल्यू आएगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट्स हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्योंकि वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल है,
चार्ज अगर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है और पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट्स क्या आएंगे, जूल्स में आएंगे। कितने? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो कई बार आता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके जूल बनाओ, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो आंसर आएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि एमईवी में हम कन्वर्ट करते रहेंगे। ठीक, क्वेश्चन आ जाता होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड एमईवी। जो एएमयू होता है वो तो होता है मास का यूनिट, एमईवी होता है एनर्जी का यूनिट। 1 एएमयू में कितना मास होता है? 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 केजी का। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर एनर्जी बनानी है तो यू कैन अप्लाई फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मास पुट करो, एनर्जी पुट करो, सॉल्व करोगे जूल में एनर्जी आएगी, इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 से डिवाइड कर दो तो एम ई वी आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 931, तो सुना होगा 1 ए एम यू इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं मासेस ए एम यू के अंदर गिवन होंगे, जैसे 3 ए एम यू, तो आपको एनर्जी चाहिए होगी, तो सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर देना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है। आइसोबार्स क्या होते हैं, किया हुआ है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये भी किया हुआ है। न्यूक्लियर फोर्स, एक अगर न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स हैं, कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल हो जाएंगे, न्यूक्लियस से बाहर भागने की कोशिश करेंगे, भाग नहीं पाते, न्यूक्लियस तो स्टेबल है। क्यों नहीं भाग पाते? क्योंकि कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो कि उन्हें बांध के रखे हुए है, उस फोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने की फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स की क्या प्रॉपर्टी है? इसकी ये प्रॉपर्टी है कि एक तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी एक्ट करती है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी एक्ट करेगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी एक्ट करेगी। और ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव है, ये रिपेल नहीं करती प्रोटॉन प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये बांध के रखती है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही कम डिस्टेंस, शायद 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम डिस्टेंस पे एक्ट करती होंगी, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद, या 10 की पावर माइनस 18 को जैसा डिस्टेंस होता है, पर जो भी है ये इतने छोटे डिस्टेंस पे काम करती हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है यहाँ तक। और ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। अगर ये दो पार्टिकल प्रोटोन प्रोटोन में एक्ट करेगी, प्रोटॉन प्रोटॉन में तो ग्रेविटी की फोर्स भी है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, प्रोटॉन प्रोटॉन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी होती है और प्रोटॉन प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। तो अगर आप मेजर करोगे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर उन्हें, तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, प्रोवाइडेड डिस्टेंस प्रोटॉन प्रोटॉन में बहुत ज़्यादा कम हो। अगर ज़्यादा कर दिया तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसमें न्यूक्लियर फोर्स आर निग्लिजिबल बिटवीन न्यूक्लियॉन्स अगर डिस्टेंस 10 फर्मी से बड़ा है। और जब न्यूक्लियर फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस डेवलप्स विच गोज ऑन इंक्रीजिंग रेपिडली विद डिक्रीजिंग डिस्टेंस। वो कह रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स बढ़ती है अगर दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा आर छोटा होता जाएगा फोर्स बढ़ती जाएगी, और फॉर्मूला हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक का या ग्रेविटेशन का, जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। लेकिन इसके अंदर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं होती, हम ये बोल सकते हो कि पास आते हुए ये फोर्सेज बढ़ती हैं, पर कैसे बढ़ती हैं इसका फॉर्मूला हमें मालूम नहीं आज तक। नेक्स्ट है, इसमें एक ग्राफ आएगा, ये ग्राफ शायद केमिस्ट्री में आप लोग देखते भी होंगे इस टाइप का, ये एक नंबर में फिजिक्स में आता होता है, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस।
तो न्यूक्लियर फोर्स का ये ग्राफ जो है वो कभी कम हो रहा है फिर एकदम बढ़ जाती है, तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक ठीक है। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बांधने की फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बांधने की एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर तो फोर्स बोल रहे हैं कि फोर्स ने बांध के रखा हुआ है पार्टिकल्स को तो न्यूक्लियर फोर्स, और अगर एनर्जी बोल रहे हैं तो एनर्जी ने बांध के रखा हुआ है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने की, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशंस और प्रिंसिपल्स को सीखने के लिए इस एग्जाम्पल को एक बार देखो। ओके, देखो बाइंडिंग एनर्जी मतलब बांध के रखने की एनर्जी। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल का रियल केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले बता दूं, कहीं पता लगे आप केमिस्ट्री टीचर को जाके बोल दो देखो ऐसे कराते थे। ठीक, तो ये जस्ट समझने के लिए है। सपोज करो मेरे को आज न्यूक्लियस बनाना है, मेरे मन में आया आज न्यूक्लियस बनाएंगे। पता लगा न्यूक्लियस कैसे बनता है, तो लोगों ने कहा कि न्यूक्लियस बनता है कुछ प्रोटॉन्स ले आओ कुछ न्यूट्रॉन्स ले आओ पैक कर दो न्यूक्लियस बन जाएगा। मैं भी ले आया, तो सपोज करो मैं कुछ प्रोटॉन्स ले आया मान लो 2 kg, जस्ट एग्जांपल है, कोई लेना देना नहीं है प्लीज केमिस्ट्री से। प्रोटॉन्स भर के ले आया, इधर से सपोज मैं न्यूट्रॉन्स ले आया। ठीक, और मैंने सोचा कि आज न्यूक्लियस बनेगा और मैंने इनको एक उसमें पैक कर दिया, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, और सोचा जब मैं इसको वे करूंगा तो पक्की बात है 6 kg का मास आएगा, लेकिन आया नहीं, 6 kg नहीं आया, 5.5 kg। अब मैं सोच रहा हूँ 0.5 kg की गड़बड़ हो गई कहीं से, वहां से कुछ पीछे से कम आया होगा, ऐसा नहीं था। तो हुआ क्या, इसका मास गायब हो गया। इस गायब मास को बोलते हैं मास डिफेक्ट, मास में डिफेक्ट आ गया। तो जब भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इंडिविजुअल मास मिलेंगे तो मास डिफेक्ट आएगा। कितना मास डिफेक्ट आएगा, मास डिफेक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इसको बोला जाता है रेस्ट मास, रेस्ट पे पड़ा हुआ मास, रेस्ट मास एंड रेस्ट मास। तो इनका डिफरेंस क्या हुआ इसमें, 2 kg 4 kg माइनस 6, यहाँ पे 5.5, सॉरी 2 kg 4 kg 5.5, कितना आया 0.5। ठीक, मास इफेक्ट आ गया। ये मास गायब क्यों हुआ, क्योंकि कोई तो इसमें एनर्जी चाहिए थी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखेगी, नहीं तो प्रोटॉन प्रोटॉन बंधेंगे कैसे, बांधने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एनर्जी किसके इक्वल आएगी, वो एनर्जी आएगी जो भी मास इफेक्ट होगा
उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो ये मास गायब नहीं हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है इन सबको बांध के रखने के लिए, और इस एनर्जी का नाम क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आई बात? तो दिस इज नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझ आया बाइंडिंग एनर्जी का। अच्छा, उल्टा डिस्कस करते हैं। सपोज आज मन में आया कि न्यूक्लियस तोड़ के देखना है क्या निकलता है। ये लो न्यूक्लियस ले आया जो है, मान लो 5.5 केजी का, और कुछ प्रोटॉन निकाल दिए अलग, कुछ न्यूट्रॉन्स, और ऐसे दूर दूर रखे कि आपस में इंटरेक्ट ना करें, कहीं अलग अलग जगह रख दिए, बहुत दूर रख दिए। तो जब मैंने इनको मास को वे किया तो देखा कि ये 2 केजी और 6 केजी आ गया, टोटल इंडिविजुअल मास 6 किलो आ गया, जबकि न्यूक्लियस मेरे पास तो सिर्फ 5.5 किलो का था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 0.5 केजी कैसे बढ़ गया। इसलिए बढ़ा क्योंकि मैंने क्या किया, इसके ऊपर वर्क डन, मैंने एनर्जी सप्लाई की। मैंने कितनी एनर्जी सप्लाई की, जितनी इसकी बाइंडिंग एनर्जी थी, जितनी एनर्जी से इसने बांध के रखा हुआ था न्यूक्लियॉन्स को, उतनी ही एनर्जी या उतना ही मैंने अगर वर्क डन कर दिया तो ये भी टूट जाएगा। आप ये कहते हो कि दरवाजे को पकड़ के रखा हुआ है 6 न्यूटन के साथ, अगर मैंने 6 न्यूटन फोर्स लगा दिया, 6 से ज़्यादा, फिर तो दरवाज़ा खुल ही जाएगा ना। तो बिल्कुल वैसे ही कि ये आप ये क्लेम कर रहे हो कि बांधने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर मैं उतना ही वर्क डन कर दूं तो फिर बांधोगे क्या, फिर तो मैं तोड़ ही दूंगा उसे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मास इसलिए बढ़ा क्योंकि जो भी मैं एनर्जी दे रहा हूँ इसको ब्रेक करने के लिए, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में, इसलिए मास बढ़ जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी के अंदर ये करेंगे कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू सच अ डिस्टेंस दैट देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो मतलब न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि आपस में वो इंटरेक्ट ना करें। दिस वर्क डन इज अ मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो इस वजह से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस एंड इट इज मेजर्ड बाय वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इन फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस सो दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो मैं कितना वर्क डन करूंगा ताकि न्यूक्लियॉन्स सेपरेट हो जाएं और आपस में इंटरेक्ट ना करें, उस वर्क डन को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और इसमें यह भी मैंने बता दिया कि रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन सम ऑफ रेस्ट मास ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस का जब मास बनेगा वो फ्री प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से ज्यादा नहीं बनेगा, उससे कम बनेगा। सो दिस सर्टन मास डिसअपियर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस इज नोन एज अ मास डिफेक्ट। समझ में आ गया मास डिफेक्ट क्या होता है?